दोस्तों, जहां एक तरफ मोदी जी हर राज्य में अलायंस को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर हरियाणा में मोदी सरकार को झटका लगा है। जी हां, पहले तो हिसार के बीजेपी सांसद ने पार्टी से नाता तोड़ा था और अब बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है, जिसके बाद सीएम खट्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। क्या जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन टूटने के पीछे दुष्यंत चौटाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। हरियाणा में आज अचानक हुए बड़े उलटफेर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके साथी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दरार पैदा होने के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, वहीं भाजपा ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा जेजेपी गठबंधन टूटने की मुख्य वजह दुष्यंत चौटाला की तरफ से दो सीटें मांगना है। बीजेपी आला नेतृत्व एक सीट देने की बात मानने को तैयार था, लेकिन दुष्यंत चौटाला दो सीटों पर अड़े थे। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व 10 सीटों पर लड़ना चाहती थी क्योंकि सभी सीटों पर उसके सांसद हैं। बीजेपी का ये कहना था कि हमने सभी सीटें जीती है, हम किस लिहाज से उन्हें जीती हुई एक सीट दे दे। दोस्तों, इससे पहले सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक हुई थी। नड्डा और चौटाला के बीच यह बैठक तकरीबन 45 मिनट तक चली थी। इस मीटिंग में उन्होंने मांग की थी कि जेजेपी को भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार की लोकसभा सीट दे दी जाए। इस मीटिंग में जेपी नड्डा ने एक भी सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चौटाला से साफ कहा कि हम आपसे अलग होकर भी सारी 10 सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे। हालांकि बैठक का नतीजा क्या रहा, इस बारे में किसी भी पक्ष से औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सरकार बदल रही है। अब भाजपा अकेले ही निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाने की प्लानिंग में है। नई सरकार में नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा और जजपा गठबंधन टूटने की पटकथा जून 2023 में ही लिखी गई थी। उस वक्त इन दोनों दलों के बीच जो दरार आई गई थी वो दरार अभी तक भरी नहीं है। पिछले साल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वे उचाना कला से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौटाला ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हरियाणा के भाजपा प्रभारी बिप्पल देब ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बताया था। चौटाला के बयान पर बिप्पल देब ने भी पलटवार करते हुए कहा था, अगर जजपा ने हमारी सरकार का समर्थन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, इसके बदले उन्हें मंत्री पद दिए गए हैं। बिप्पल देब और दुष्यंत चौटाला के बीच छिड़ी इस तकरार के बाद क्यास लगने लगे थे कि प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन में बड़ी दरार आ सकती है। दोनों दलों के बीच की बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि भाजपा ने निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ रहने से दुष्यंत चौटाला को भी नुकसान हो रहा था, खासकर किसानों के आंदोलन के चलते पार्टी अपना नुकसान होता देख रही थी। दुष्यंत चौटाला को किसान और जाटों की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। अब चौटाला किसानों के बीच जाकर ये संदेश दे सकते हैं कि हम इस सरकार से अलग हो चुके हैं। वर्तमान में 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक और जजपा के 10 विधायक है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 7 में से 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक है और इंडियन नेशनल लोकदल तथा हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1-1 सीट है। 41 सीटों वाली भाजपा को सरकार बनाने के लिए 5 और सीटों यानी 46 सीटों की जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि 5 निर्दलीय विधायक भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। इनमें नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंडर, पृथला विधायक नयनपाल रावत का नाम शामिल है। इसके अलावा HLP के गोपाल कांडा भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं।
जेजेपी से अलग होने के बाद भाजपा के पास करीब 48 विधायकों का समर्थन हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।